गजानन अभी फरार हो गया है। गजानन ने जैसे मुझे बताया एक बार फिर डिलीवरी करने का प्रयास किया था पर वो सफल नहीं हो पाया था। अभी गजानन फरार चल रहा है, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए। रही बात आकाश की, तो वो कुछ दिन के लिए दिल्ली चला गया था अपनी बहन का, उसे कुछ सामान खरीदना था ब्यूटी पार्लर का, वो सामान खरीदने चला गया था। उसके बाद वो वापस आ रहा था जब पुलिस को शक हुआ इस पर और हमने कार्रवाई करी। नहीं, ऐसी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी प्रथम दृष्टया की जांच से ऐसा कुछ नहीं निकल के आया, इसे ये नहीं कंफर्म था कि भरत आएगा ऑर्डर देने या कोई आएगा। मेरे ख्याल से जहां तक अभी हम जिस जांच पे पहुंचे हैं, जिस स्तर पे, बाकी चीज़ें गजानन के पकड़े जाने पे क्लियर होंगी। तो इसको ये क्लियर नहीं था कि कौन आएगा, इसको बस मोबाइल चाहिए था और बड़े ही चालाकी से बिना पैसा दिए ये दोनों मोबाइल और सामान रखना चाहता था। कोई भी आता, हाँ हाँ सर, मुझे ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन डिलीवरी के बाद जो आखिरी डिलीवरी होती है उसके बाद अगर कहीं दूसरे की लोकेशन है वो लोकेशन पर नहीं पहुंच रहा तो उसके बाद कंपनी के द्वारा संपर्क किया जाता है। क्या कंपनी ने पुलिस से संपर्क किया या फिर परिजनों से संपर्क किया कि आखिरी डिलीवरी के बाद ये कहां गया कहां नहीं गया? ये कंपनी द्वारा ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया है, उसी पे ये जांच शुरू हुई थी जिसके क्रम में आज हत्या का खुलासा हुआ। मुख्य अभियुक्त हम गजानन को मान रहे हैं, मतलब गजानन है कि ये दोनों ही मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों ने मिलकर हत्या करी है। पहले से बातचीत में रहे हाँ, ये ठीक बताया गया है। गजानन पहले भी उस कंपनी में 2-3 महीने काम किया है लेकिन ये उसका परिचित नहीं रहा, इनका कभी आपस में संपर्क नहीं रहा है। गजानन को लेकिन ये पता था फ्लिपकार्ट की कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, डिलीवरीज किस तरह आती हैं, किस तरह जाती हैं, ऐसा इसने करने का प्रयास किया। एक चीज़ अभी तथ्य में और संज्ञान में आया है जिसको अभी हम प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि मृतक की मृत्यु का हत्या कर देने के बाद गजानन द्वारा जो बची हुई डिलीवरीज हैं उन्हें भी करने का प्रयास किया गया था ताकि किसी को शक ना होए कि डिलीवरी बॉय की हत्या हो गई है या वो मिसिंग है, लेकिन इसको ये पूरी तरह कर नहीं पाए थे। इस पर भी गहनता से कार्य चल रहा है। फ्लिपकार्ट पे जिस तरीके से हिमांशु के द्वारा जो किया गया मोबाइल जो है किया गया उसके बाद पहुंचा ये था, उसको गजानन और जो दूसरा शख्स है इन दोनों का क्या रोल वहां पर, हिमांशु का क्या रोल रहा है इसमें? हिमांशु को गजानन ने आके अप्रोच किया था कि मुझे मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करने हैं। हिमांशु द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से इनको मोबाइल ऑर्डर करे गए थे। जब डिलीवरी बॉय वहां देने आया था तो हिमांशु द्वारा गजानन को बता दिया गया था कि तुम्हारा फ़ोन का ऑर्डर आया है, इसको रिसीव कर लो। हिमांशु को अभी तक की प्राथमिक जाँच से ये पुष्ट नहीं हुआ है कि हिमांशु को इसकी जानकारी थी कि नहीं कि ये हत्या करेंगे नहीं। विवेचना अभी प्रचलित है, जो भी तथ्य संज्ञान में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते रहेंगे। नहीं, हिमांशु द्वारा पार्सल नहीं कलेक्ट किया गया था। हिमांशु द्वारा गजानन को बता दिया गया था कि आपका एक पार्सल आया है, आप इसे रिसीव कर लें। उसने इनकी बात फोन पे बात करा दी थी, फिर गजानन ने उसको अपने साथ एक अलग लोकेशन में बुला लिया था कि आके यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कर दो। जो भरत है मृतक वो वहाँ पे डिलीवर करने गए थे, वहाँ पे उनके साथ इस घटना को किया गया। घटना को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्लान बना लिया था कि क्या वो दो फोन कौन से थे, बता दीजिए कीमत कितनी। देखिए, वो मेरे द्वारा बता दिया गया, एक वीवो V40 था और एक गूगल पिक्सल 7 प्रो था, दोनों की मिला के लगभग 90,000 की कीमत है टोटल। और अभी बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। पैसे ना देने पड़े इसलिए क्या पहले से प्लान बनाया था कि लोगों ने कि आएगा तो पैसे नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल, ये अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि इसी इरादे से हत्या करी गई थी कि घटना का पैसा ना देना पड़े। जो मोबाइल फोन लिया है उसकी जानकारी अभी बाकी, जैसे गजानन पकड़ा जाएगा उससे और पूछताछ करी जाएगी क्या ये पहले से प्लान था या बाद में हुआ। नहीं, अभी तक इनका आपराधिक इतिहास चेक कराया गया तो अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। अभी हम और गहनता से चेक कराएंगे, अगर कुछ होगा तो उससे अवगत कराएंगे। देखिए, इसमें जैसे ही घटना की सूचना दी गई है, पहले इसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी तो गुमशुदगी उस पर लिखवाई गई थी, तत्काल उस पर गुमशुदगी लिखवा के विवेचना अधिकारी को भी भेजा गया था जो गुमशुदगी की जांच कर रहे थे। क्राइम टीम भी हमारी साथ के साथ काम कर रही थी, इसी की वजह से घटना का खुलासा भी हो पाया है। इसमें अभी तक ऐसा कोई नहीं लापरवाही निकल पाई है, लगातार इसमें काम हो रहा था, इसी वजह से आज इस घटना का खुलासा भी हो पाया है। सर, ऑनलाइन डिलीवरी हो रहे हैं, जब तक पुलिस मामला पूरा है और कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है?
ये जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जाँच थाना स्तरीय पर की जा रही थी, साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पर काम कर रही थी। जब हम लोग इस पर काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगीं। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा दो मोबाइल फ़ोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन वीवो V40 Pro और एक गूगल पिक्सल 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फ़ोन लेके पहुँचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकीपूर्वक उन्होंने इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पर पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। हमें दोनों मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने डिलीवरी बॉय से मंगवाए थे वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा डिलीवरी बॉय का अन्य सामान जो वो और डिलीवर करने जा रहा था वो भी हमने बरामद किया है। पुलिस द्वारा लाश को ढूंढने के अभी लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे द्वारा NDRF की टीम, SDRF की टीम और लोकल गोताखोरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी हमारे द्वारा एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि बॉडी की बरामदगी हो सके। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बॉडी बरामद हो सके। गजानन को अभी वांछित रखा गया है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। जो बॉडी है वो बताया जा रहा है कि बच्चे में भर के ले गए थे बैग में, तो क्या टुकड़े करके ले गए थे, किस तरीके से बैग में भरा गया? नहीं, इनके द्वारा अभी जब हमने पूछताछ करी गई तो अभी तक आकाश द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इनका ये कहना है कि गला घोट के मार देने के बाद उन्होंने बॉडी को, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बैग बहुत बड़ा होता है, उसमें बॉडी को भर के वैगनार कार जो गजानन की थी उसमें जाके ले गए हैं और जाके डंप कर दिया है नहर में। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ करी गई है या नहीं करी गई। कार बरामद हुई है और कार किसके नाम में? अभी कार नहीं बरामद हुई है, अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई है मृतक की, और इनका हेलमेट, आकाश का हेलमेट बरामद हुआ है और कुछ सामान बरामद हुआ है जो उन्होंने यूज़ किया था फ्लिपकार्ट एजेंट का। गजानन और आकाश दोनों चिन्हट पे रहते हैं, आस पड़ोस में ही। इसमें आकाश जो है इसका कारपेंट्री का काम है और गजानन का प्लाईवुड का काम है। एक साल से ये लोग एक साथ बैठ फोटो कर लेते हैं पहले। ये डिलीवरी बॉय थोड़ी है, उसकी फोटो करा दी। हेलमेट किसका है? अच्छा, और आला पतंग रस्सी लैपटॉप का चाहिए।